हेलो एवरीवन, आज हम कंटिन्यूस फंक्शन पे बेस्ड एग्जांपल्स हम सीखने जा रहे हैं। तो हमने एक फंक्शन लिया एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू एक्स। उस फंक्शन के को हमने चेक करना है एट एक्स इक्वल्स टू टू से कि ये फंक्शन कंटिन्यूस है या नहीं। तो सबसे पहले ग्राफिकल मेथड से मैंने फंक्शन एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू एक्स को मैंने यहाँ पर ड्रॉ किया है। ये फंक्शन आपके पास स्ट्रेट लाइन है, बिल्कुल बेसिक एग्जाम्पल से हम देख रहे हैं। तो अभी हम एट एक्स इज इक्वल्स टू टू पे फंक्शनल वैल्यू कितनी हो जाएगी, टू। दिस इज फंक्शनल वैल्यू एट टू। अब देखिए डेफिनेशन क्या कहती है, एप्सिलन डेल डेफिनेशन, कि आप कोई भी एप्सिलन चूज़ करो। यहाँ पे मान लो मैंने एप्सिलन 0.1 चूज़ किया है, आपने इस एप्सिलन के कोरस्पॉन्डिंग आपको एक डेल ज़रूर मिलेगा। क्या मिलेगा वो अभी मैं आपको बताऊंगी क्या मिलेगा, बट एक डेल आपको मिलेगा सच दैट कि जब जब आपका एक्स यहाँ से इस इंटरवल में से 2 माइनस डेल से 2 प्लस डेल इंटरवल में से जब जब आपका एक्स आता रहेगा, ठीक है, आपका फंक्शन एफ एक्स इस 2 प्लस एप्सिलन से 2 माइनस एप्सिलन वाले इंटरवल के अंदर ऑलवेज लाई करता रहेगा। ये कंटिन्यूस फंक्शन की डेफिनेशन कहती है। अब ये एफ एक्स आपको ऐसे मिलता रहेगा हमेशा इस इंटरवल के अंदर। अब ये देखिए आप नेक्स्ट कि ये डेल होगा कितना, हमें कैसे पता लगेगा डेल कितना होगा। तो वो हमारे पास प्रोसेसर क्या है, किस तरह से हम पता कर सकते हैं। व्हाट डज द डेफिनेशन सेज, मोड ऑफ एफ एक्स माइनस एफ ऑफ टू, ये चीज़ लेस देन एप्सिलन कब रहेगी, व्हेन एक्स माइनस टू इज लेस देन डेल। ये चीज़ हमें, तो यहाँ से हमारे पास डेल की डिपेंडेंस हमें पता लगेगी। तो सबसे पहले हम कैलकुलेट करते हैं मोड ऑफ एफ एक्स माइनस एफ ऑफ टू। तो एफ ऑफ एक्स की वैल्यू हो गई एक्स, फंक्शनल वैल्यू है टू हो गई टू। अब हम देखिए एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ टू मोड ऑफ एक्स माइनस टू पे इक्वल है। तो ये वैल्यू मोड ऑफ एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ टू, दिस वैल्यू, ये लेस देन एप्सिलन कब होगी, जब ये वैल्यू लेस देन एप्सिलन रहेगी। इज इट क्लियर, जब ये वैल्यू लेस देन एप्सिलन है तो ये इसके इक्वल है, तो ये ऑटोमेटिकली एप्सिलन से लेस हो जा रही है, ठीक है। तो हमने क्या लिखा है, नाउ दिस मॉडुलस इज लेस देन एप्सिलन, कब, वेन एवर दिस थिंग इज लेस देन एप्सिलन, ओके। अब उसी एप्सिलन को मैंने नाम दे दिया डेल। इसका क्या मतलब हो गया कि जितना यहाँ पे एप्सिलन है उतना ही हमें डेल मिल जाएगा। मतलब अगर मैं एप्सिलन 0.1 चूज़ कर रही हूँ तो आपके पास डेल इस केस में इस फंक्शन के लिए, जो कि फंक्शन क्या है एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू एक्स, एक्स फंक्शन के लिए आपके पास डेल भी उतना ही होगा जितना आपका एप्सिलन होगा, ओके। तो इस केस के अंदर आपका ये जो डेल है ये कितना होगा, ये डेल आपका 0.1 होगा। तो मतलब क्या हो गया, 2 माइनस 0.1 से 2 प्लस 0.1 के अंदर से जब जब आप x लेंगे तब तब आपको f ऑफ x इस इंटरवल के अंदर ऑलवेज मिलता रहेगा। ये एक बिल्कुल बेसिक एग्जांपल है। अब हम एक और एग्जांपल की हेल्प से देखते हैं, जहाँ पे मैंने फंक्शन लिया 2x प्लस 1। मान लीजिए x इक्वल्स टू 3 पॉइंट पे हमने चेक करना है, ये ग्राफिकली मैंने ड्रॉ किया उसको, ठीक है। x इक्वल्स टू 3 पॉइंट के ऊपर आपके पास ये फंक्शन की वैल्यू एफ ऑफ 3 पे वैल्यू आ गई, यहाँ पे फंक्शन की वैल्यू एट 3 7। अब आपने कोई भी एप्सिलन चूज़ किया, मान लो फिर से एप्सिलन अगर मैंने चूज़ किया है 0.1, अब 0.1 के ऊपर हमें कोई डेल पता लगना चाहिए सच दैट कि हमारा फंक्शन कंटिन्यूटी हम चेक कर सकें। तो उस डेल के लिए क्या किया, मोड ऑफ एफ एक्स माइनस एफ ऑफ 3, एफ ऑफ एक्स की वैल्यू हमें रखनी है दैट इज 2x प्लस 1 माइनस एफ ऑफ 3 इज 7। सो वी गेट 2x माइनस 6, 2 कॉमन के बाद वी गेट मोड 2 एंड मॉडुलस x माइनस 3। नाउ दिस होल थिंग मॉडुलस ऑफ एफ एक्स माइनस एफ ऑफ 3, दिस मॉडुलस इज इक्वल्स टू दिस। नाउ ये चीज़ लेस देन एप्सिलन कब होगी, इफ दिस होल थिंग इज लेस देन एप्सिलन, ठीक है। तो वही चीज़ हमने बताई है कि दिस मॉडुलस इज लेस देन एप्सिलन व्हेन एवर दिस थिंग इज लेस देन एप्सिलन। ये चीज़ लेस देन एप्सिलन, टू एक पॉजिटिव क्वांटिटी हो गई, कॉन्स्टेंट हो गया, मोड ऑफ एक्स माइनस 3 इज लेस देन एप्सिलन बाई 2। अब हम देख रहे हैं कि दिस एप्सिलन माइनस टू इज लेस देन एप्सिलन, देखिए हमारे पास आ गया मोड ऑफ एक्स माइनस 3 इज लेस देन डेल, ओके।
डेल किसे नाम दिया? एप्सिलन बाई टू को हम डेल बोल रहे हैं, तो हमारा डेल जो कि हमें पता है कोई भी इंडिपेंडेंटली पॉजिटिव नंबर नहीं मिलता है, वो हमेशा एप्सिलन पे डिपेंड करने वाला नंबर आता है, तो इस फंक्शन के लिए जो हमें डेल मिला वो कितना मिला? एप्सिलन बाई टू। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर हमने एप्सिलन 0.1 चूज़ किया है, ठीक है, तो हमारे पास डेल कितना मिलेगा? एप्सिलन बाई टू, दैट इज 0.1/2, दैट इज़ अवर डेल। और ये 3 + 0.1/2, इसका क्या मतलब हुआ कि जब जब हमारा एक्स इस इंटरवल में से आएगा, तब तब हमें फंक्शनल वैल्यू आपको इस इंटरवल के अंदर मिलती रहेगी, तब तक आपका एफ ऑफ एक्स इस इंटरवल में f(3 + 0.1, f(3 - 0.1, 0.1 एप्सिलन है हमारा, इस इंटरवल के अंदर हमारा एफ ऑफ एक्स मिलता रहेगा ऑलवेज। अगर ऐसा मिल रहा है, इट मीन्स हमारा फंक्शन कॉन्टीन्यूअस है। ओके okay?